हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो यार, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। वैसे हमें पता चलता है कि जो हमारे इंस्टाग्राम पे स्टोरी व्यूज हैं, वो हमारे टोटल फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, उनमें से कितने लोग हमारे स्टोरी देखते हैं, मतलब हमारे एक्टिव फॉलोअर्स कितने हैं, ये हमारे स्टोरी व्यूज से हमें पता चलता है। तो आपके जितने भी स्टोरी व्यूज हैं, 100 हैं मान लो, या 200 हैं, या 500 हैं, इस वीडियो को देखने के बाद में आपके वो डबल होने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में आपको 4 टिप बताने वाला हूँ। ये 4 टिप मैंने खुद ने यूज किए हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, और मैं आपको बताऊं कि मेरे जो स्टोरी व्यूज हैं वो 2000 के समथिंग आते थे, वो अब डबल हो गए हैं, डबल से भी ज़्यादा ही हो गए हैं। जो मैं ये 4 टिप यूज करने लगा हूँ स्टोरी में, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे यूज कर सकते हो और कैसे इंस्टाग्राम स्टोरी पे व्यूज बढ़ा सकते हो। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसको आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो मेरे जो 5000 से भी ज़्यादा स्टोरी व्यूज आए हैं। अब स्क्रीनशॉट की बात छोड़ो, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि मेरे जो स्टोरी व्यूज हैं वो कितने बढ़ चुके हैं। पहले 2000 के समथिंग आते थे, 10000 फॉलोअर्स हैं पेज पे, जिसे हमने ये पेज खोला हमारा। अब पेज खोलने के बाद में हमने ये देखो, आप देखोगे कि ये स्टोरी व्यूज देखो 5200 से भी ज़्यादा यहाँ पे स्टोरी व्यूज आ रहे हैं। तो आप भी कैसे स्टोरी व्यूज बढ़ा सकते हो अपने, ये आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे पोस्ट मैटर करती है। हम मानते हैं पोस्ट मैटर करती है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी भी बहुत ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है, क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम स्टोरी से भी फॉलोअर्स बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कुछ लोग हैं हमारे पोस्ट को शेयर करते हैं और लोगों तक, वैसे ही इंस्टाग्राम स्टोरी आपकी अगर अच्छी हुई, इंगेजिंग हुई, अच्छा कंटेंट हुआ आपका, वैल्यू अच्छी दे रहे हो, अच्छा नॉलेज दे रहे हो आप अपनी स्टोरी में, तो आपकी स्टोरी को भी लोग उन्हें शेयर करते हैं। और जब शेयर करते हैं ना, तो हमारी रीच बढ़ती है अकाउंट की, और अकाउंट की रीच बढ़ी है ना, तो उस पर हमारे फॉलोअर्स पे आएंगे और लाइक्स पे आएंगे, कमेंट्स पे आएंगे, मतलब पूरा पेज ग्रो होता है आपका, ठीक है। तो मेन रोल इंपॉर्टेंट पोस्ट के साथ में स्टोरी का भी होता है। तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम स्टोरी का भी कंटेंट आपको अच्छा करना है। और अगर इंस्टाग्राम स्टोरी का कोई मतलब नहीं होता ना, तो इंस्टाग्राम उसे ऑप्शन में देता ही नहीं, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे स्टोरी डालने का ऑप्शन इंस्टाग्राम देता ही नहीं, ठीक है। तो जब इंस्टाग्राम दे ही रहा है स्टोरी डालने का ऑप्शन, तो उसका अच्छे से अच्छा और बेस्ट से बेस्ट यूज करते हैं। तो हम बात कर रहे थे हमारे 4 टिप की, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा सबसे पहला जो टिप है वो है पोस्ट कंसिस्टेंसी या मल्टीपल स्टोरी। मेरा पोस्ट कंसिस्टेंसी से क्या मतलब है कि आप फीड में तो पोस्ट डालते हो कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है, लेकिन स्टोरी भी कंसिस्टेंसी डालते रहो। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ स्टोरी नहीं डालोगे ना, तो आपका पेज ग्रो नहीं होगा। ये चीज़ मैंने खुद ने प्रैक्टिस करके देखा है, और ये चीज़ मेरे साथ हुई है। जब मैं ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा था, अब इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम या किसी प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम सेम सा ही होता है। जैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था मैंने, तो स्टार्टिंग में मैंने अलग कंटिन्यू वीडियो डाली थी इस पर, ठीक है, तो अच्छी खासी ग्रोथ हो रही थी। लेकिन मैंने बीच में मेरे एग्जाम्स की वजह से बीच में यहाँ पे बंद कर दिया था, ब्रेक ले लिया था, ठीक है, तो एकदम से ग्रोथ गिर गई वो, और अभी ये धीरे धीरे स्लो उठ रही है, ठीक है, तो वापस ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। वैसे ही आपको अपना जब किसी चीज़ को स्टार्ट करो ना, आपको पेज स्टार्ट करो या जब किसी भी चीज़ को स्टार्ट करो, तो उसे कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो मेन चीज़ है कि आपको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आपको कंसिस्टेंसी पोस्ट डालनी है। और एक चीज़ और आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको इंस्टाग्राम पे मल्टीपल स्टोरी डालनी है। जैसे मान लो कि आज तक आप एक या दो स्टोरी डाल रहे थे, तो आज के बाद में आपको 5 या 6 स्टोरी डालनी है। कम से कम 5 तो आपको डालनी है अपने अकाउंट पे, ठीक है। इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। आपको 5 तो कम से कम स्टोरी डालनी है। और ऐसा मत करना कि आप 5 स्टोरी सुबह उठे और 500 के 500 एक साथ डाल दी, ना 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 ना, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कैसे करना है, जैसे मान लो कि आप एक दिन में 3 स्टोरी डालने वाले हो ना, तो आपको डालना है कि एक सुबह, एक दोपहर में, एक शाम को, आपको इस तरह से पोस्ट डालनी है, स्टोरी मतलब स्टोरी डालनी है। अब मैं इसका फ़ायदा बताता हूँ कि जैसे मान लो आपने स्टोरी डाली, फिर आपके बाद में कोई और भी लोग स्टोरी डालते ना, तो आपकी स्टोरी पीछे चली जाती है और उनकी स्टोरी आगे आ जाती है। तो जब आपकी स्टोरी आगे नहीं रहेगी, पीछे चली जाएगी, और हम इंस्टाग्राम खोलने के बाद क्या करते हैं, आगे से स्टोरी देखना स्टार्ट करते हैं, तो आपकी स्टोरी तक कोई लोग पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हम पूरी स्टोरी तो देखते नहीं इंस्टाग्राम पे, कुछ लोगों की देखते हैं स्टार्टिंग में, तो वो सभी की स्टोरी नहीं देखते, तो आपकी स्टोरी भी तो वैसे ही कम हो जाते हैं। तो जब आप दोपहर में फिर से स्टोरी डालोगे ना, तो आपकी स्टोरी फिर से आगे आ जाएगी, और जब आगे आ जाएगी ना, तो स्टोरी व्यूज आगे से देखना स्टार्ट करते हैं, तो स्टोरी व्यूज आपके बढ़ेंगे। शाम को डालोगे तो फिर से आगे आ जाएगी। तो आपको ऐसे डालना है, और आप 5 से 6 डालो ना, तो 2 घंटे पे या 3 घंटे पे ऐसी स्टोरी डालना, बीच में गैप होना चाहिए एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी के बीच में, 3 घंटे का या 2 घंटे का, ठीक है, तो इससे आपके स्टोरी व्यूज बढ़ते हैं। अब दूसरा टिप्स बताता हूँ मैं, ये 100% आपके जो स्टोरी व्यूज हैं वो बढ़ाने वाला है। तो दूसरा टिप्स क्या है हमारा, वो है डू पोल्स। डू पोल्स से मेरा क्या मतलब है कि आपको अपनी स्टोरी में पोल्स डालना है। ज़्यादातर लोग डालते हैं, और आपको सबको पता है कि पोल्स कैसे डालते हैं, यस और नो का, ये ए और बी का हो गया, और
कोई क्वेश्चन पूछ लिया उसका आंसर होगा या गलत और सही होगा या रॉन्ग, ये सब कुछ आपको पता है। ये चीज़ें आप यूज करो। पोल्स यूज करने से आप खुद देखोगे कि आपके जो स्टोरी पे व्यूज आ रहे हैं वो एकदम से बढ़े हैं, आपकी जो प्रोफाइल है वो भी ग्रोगी और स्टोरी व्यूज भी आपके ग्रो होंगे। ये चीज़ मैंने खुद ने प्रैक्टिस करके देखी है और आप भी डाल के देखना, अगर नहीं देखा आपने तो एक साथ आपके बढ़ते हैं। आप जैसे मान लो कि एक दिन में 5 स्टोरी डालने वाले हो ना, तो उसमें से 3 स्टोरी में तो आपके में पोल्स होने ही चाहिए, ठीक है। तो पोल्स का बहुत बड़ा फायदा है, बहुत ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। क्यों होता है इससे ऐसा? क्योंकि जब इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम बना इस हिसाब से है कि जब स्टोरी में हमारी कोई एक्टिविटी होती है ना, जैसे मान लो कोई क्लिक कर रहा है या स्टोरी को लाइक कर रहा है या शेयर कर रहा है ना, तो और लोगों तक हमारी स्टोरी शो होती है, और जब और लोगों तक आपकी स्टोरी शो होगी ना तो स्टोरी व्यूज भी आपके ज़्यादा आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्टोरी में पोल्स डालने, और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे मान लो आपने भी आज स्टोरी डाल दी और कल आप स्टोरी डालने वाले हो ना, तो आज वाली स्टोरी को आपको डिलीट कर देना, और जब कल पहले स्टोरी डालोगे वो आपकी पोल्स वाली होनी चाहिए, क्योंकि हमारी पहली स्टोरी अच्छे से आगे तक जाती है ना, तो पीछे की स्टोरी पे ऑटोमेटिक व्यूज आते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट स्टोरी होती है उस पर ज़्यादा व्यूज होते हैं और फिर जो आगे के होते हैं उन पर कम हो जाते हैं। तो हमारे जितनी ज़्यादा पहली स्टोरी पे व्यूज होंगे ना, तो और पे भी ज़्यादा आएंगे। अब बात करते हैं अब हमारे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, वो है पोस्ट इंगेजिंग कंटेंट। पोस्ट इंगेजिंग कंटेंट, आप जो इंगेजिंग कंटेंट डाल रहे हो ना फीड में वो तो चलो ठीक है, लेकिन आपको स्टोरी पे भी अच्छा कंटेंट डालना है, आपको वैल्यू देनी है स्टोरी में भी, क्योंकि लोग उसे शेयर करें। अच्छा कंटेंट होगा ना आपका तो ठीक है, क्योंकि लोग उसे शेयर करेंगे। जैसे आजकल बहुत अच्छे अच्छी एप्लीकेशन आ रही है, जैसे इनसोर्ट हो गई, VN हो गई, एपिक हो गई, तो इन ऐप का आप यूज़ करके 2-3 मिनट में अच्छी सी स्टोरी तैयार कर सकते हो, डाल सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि पोस्ट इंगेजिंग कंटेंट से मेरा क्या मतलब है। जैसे मान लो कि हम 2 पेज का एग्जांपल लेते हैं, पहला पेज है मोटिवेशन कैटेगरी का और सेकंड पेज है मीम्स कैटेगरी का, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपके मोटिवेशन कैटेगरी की पेज पे आपने स्टोरी डालते हो मीम्स की, तो जो बंदा आपको फॉलो किया है मोटिवेशन के लिए वो आपकी स्टोरी देखेगा नहीं, क्योंकि उसे मीम्स एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, उसे चाहिए मोटिवेशन, और आप डाल रहे हो एंटरटेनमेंट तो आपकी स्टोरी नहीं देखेगा, धीरे धीरे वो आपका एक्टिव फॉलोअर भी नहीं रहेगा, मतलब आपको अनफॉलो कर देगा वो, ठीक है। अब सेकेंड पेज की बात करते हैं हमें कि जो मीम्स वाला पेज है उस पर आप डाल रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो, वो तो ठीक है मीम्स की डाल रही हूँ, लेकिन आप स्टोरी डाल रहे हो इस पर कौन सी, मोटिवेशन की, तो वो बंदा आपके मोटिवेशन की स्टोरी नहीं देखने आया, वो बंदा आपको फॉलो किया था एंटरटेनमेंट के लिए, और आप इसे क्या दिखा रहे हो, मोटिवेशन, तो वो आपके वो स्टोरी नहीं देखेगा और वो भी आपका धीरे धीरे आपको अनफॉलो कर देगा। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपकी जो नीस है, आपकी जो कैटेगरी है ना, उसी के हिसाब से आपको स्टोरी डालनी है, उसी के हिसाब से आपको लोगों को वैल्यू देनी है, नॉलेज देना है। जैसे आपका मोटिवेशन का पेज है तो उस पर मोटिवेशन की पोस्ट डालनी है, स्टोरी डालनी है आपको, ठीक है। और जो मीम्स का पेज है उस पर उसी हिसाब से आपको डालना है कि मीम्स के या एंटरटेनमेंट की कोई क्लिप हो गई वही आपको स्टोरी में डालनी है, उसी से आपके शेयर्स बढ़ते हैं, उसी से आपके लाइक्स बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की। हम जो चौथा पॉइंट है हमारा वो है यूज हैशटैग एंड लोकेशन। हैशटैग की बात मैं पोस्ट में नहीं कर रहा, पोस्ट पे तो अलग से मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को मैं यहाँ पे आई बटन में ऐड कर दूंगा, उसे आप देख लेना। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्टोरी में हैशटैग की। आपको स्टोरी में भी हैशटैग यूज करने, आप स्टोरी में हैशटैग यूज कर सकते हो, एक तो आपने अकाउंट का नाम, सेकंड हैशटैग आप यूज कर सकते हो जो आपका टॉपिक है, वो आपकी नीश स्टेटमेंट, जो भी आपकी नीश उससे या कैटेगरी जो भी है वो आप यूज़ कर सकते हो। और थर्ड हैशटैग यूज़ कर सकते हो आप जो स्टोरी पे आपने जो भी टॉपिक है आपका स्टोरी पे लगाई है आपने वो चीज़ उसके बारे में आप हैशटैग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हैशटैग आपको यूज़ करने हैं, लेकिन ध्यान रखना आपको इनको हाइड कर देना इन हैशटैग को, ये दिखे नहीं स्टोरी में। और बात की थी मैंने लोकेशन की, लोकेशन से मेरा क्या मतलब है, जैसे आप स्टोरी में लोकेशन यूज़ करते हो ना, पोस्ट पे तो सब लोग लोकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप स्टोरी में लोकेशन यूज़ करते हो ना, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप मान लो कि स्टोरी डाल रहे हो और उसमें यूज़ कर रहे हो देहरादून की लोकेशन, ठीक है, तो वहाँ पर रहने वाले लोग वहाँ पर उनके सामने आपकी स्टोरी ज़्यादातर लोग शो हो जाती है कई बार, ठीक है, तो वैसे आपकी स्टोरी व्यूज बढ़ जाएंगे। और जैसे मान लो कि मैं ट्रेवल करने जा रहा हूँ, देहरादून घूमने जा रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि देहरादून में अच्छी सी जगह कौन सी है घूमने की, तो मैं सर्च करूंगा ना, तो वहाँ पे भी आपकी स्टोरी अगर रैंक कर जाएगी ना, तो वहाँ से भी आपको अच्छे से व्यूज मिल जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो और यूज करके देखना, ये 4 टिप हैं, ये 4 टिप मैंने खुद नहीं यूज़ किए हैं, और मेरे जो 2000 इंस्टाग्राम स्टोरी व्यूज आते थे वो अब 5000 से भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप इन 4 टिप्स का यूज़ करके अपनी स्टोरी व्यूज बढ़ा सकते हो, मैंने खुद ने बढ़ाए हैं, और कुछ लोग ना इन चीज़ों को यूज़ करते नहीं है कंटिन्यू, एक बार करेंगे फिर आपकी स्टोरी व्यूज बढ़ेंगे नहीं, फिर कमेंट करेंगे कि भाई मेरे बढ़े नहीं। तो आपको ये कंसिस्टेंसी के साथ और कंटिन्यू करना है, आपको जब करके देखोगे ना, रियल में प्रैक्टिस करोगे ना, तभी जाके कुछ होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें यूज करनी है और कंटिन्यू करनी है, जब
आपके हो जाए ना अच्छे से, तो कमेंट करके बताना है यहाँ पे कि भाई मेरे बड़े हैं, ठीक है। और अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।